गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम कक्षा 1 का पाठ 11 र के रूप पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने सभी मात्राओं के बारे में जाना। यहाँ पर र के कई रूप होते हैं। र की जो रेफ की मात्रा होती है वो हम आज आपको सिखाएंगे। यहाँ पर रेफ और पदेन की मात्रा दी गई है, तो देखिए ये यहाँ पर रेफ की मात्रा किस तरह से लगाई जाती है और उसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है। पहला चित्र यहाँ दिया गया है, किसका दिया गया है? सूर्य। दूसरा वर्षा। तीसरा पार्क। आइए हम पदेन के रूप में र का प्रयोग पढ़ेंगे। यहाँ पर चित्र दिया गया है, पहला चित्र किसका है? सम्राट। दूसरा ट्रक। तीसरा चित्र है ड्रम। आइए यहाँ पर र की मात्रा के हम सभी रूपों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए र ठ, पहले हम र के रूप पढ़ेंगे। पहला है रथ, रस्सी, रक्षक। अब देखिए रेफ के रूप में हम शब्द पढ़ते हैं, धर्म, कर्म, वर्षा। आगे है पदेन के रूप में इसकी मात्रा, क्रम, ब्रश, प्रकाश। आगे है ड्रम, ट्राम, ड्राइवर। तो बच्चों, यहाँ पर आपको रेफ और पदेन की मात्रा के शब्द का ज्ञान हमने कराया है। उच्चारण में र की स्थिति अन्य वर्णों से भिन्न होती है। जहाँ र हल्का बोला जाए यानी अरहित है, वहाँ उस व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लिखा जाता है जिसके पहले वह बोला जाता है। जैसे कर्म, किस तरह से बोला जाएगा? कर्म। तो आपको समझ में आई रेफ की मात्रा। अब हम यहाँ पर इसका पाठ पढ़ते हैं। आइए तो शुरू करते हैं हम। हर्षा पार्क में खड़ी है। हर्षा कौन है? एक लड़की है जो कहाँ खड़ी है? पार्क में खड़ी है। उसके हाथ में ब्रश है। उसके हाथ में क्या है? ब्रश है। अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ हर्षा के हाथ में क्या है, तो आप उसका उत्तर क्या लिखेंगे? ब्रश। उसके पास एक पर्स भी है। किसके पास है पर्स? हर्षा के पास। तो हर्षा के हाथ में क्या था? ब्रश। और उसके पास क्या है? एक ब्रश और उसके पास एक पर्स है। वह ब्रश से ट्रेन में रंग भर रही है। तो बच्चों, उसके हाथ में जो ब्रश है वो कौन सा वाला ब्रश है? कलर करने वाला। और वह उससे कहाँ रंग भर रही है? ट्रेन में। उसकी सहेली फर्श पर बैठी है, वह ड्रम बजा रही है। अब आपसे पूछा जाएगा कि हर्षा की सहेली क्या बजा रही है, तो आप उसका उत्तर क्या देंगे? उसका उत्तर आएगा ड्रम। हर्षा की सहेली क्या बजा रही है? हर्षा की सहेली ड्रम बजा रही है। अब इस पाठ में हम रेफ की मात्रा के जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? हर्षा, पार, बर्फ, पर्स, ये सब रेफ की मात्रा के शब्द हैं। धन्यवाद।